यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे जलवायु गर्म होती है, वर्षा के पैटर्न बदलने लगते हैं, वाष्पीकरण बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं और समुद्र का स्तर बढ़ता है। ये सभी कारक ताजे पानी की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। लगातार और गंभीर सूखे तथा पानी के बढ़ते तापमान के कारण पानी की गुणवत्ता में कमी आने की आशंका है। देखिए रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन के घातक परिणाम, हीट बढ़ने से उबल रही दुनिया, 84 साल में सबसे गर्म रहा जुलाई। वैश्विक तापमान के टूट रहे पिछले रिकॉर्ड। भीषण गर्मी, बाढ़, बेमौसम बरसात जैसी घटनाएं आम। 21 जुलाई दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे गर्म दिन। पहली बार वैश्विक औसत सतही वायु तापमान 17.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रह पहले ही लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री फॉरेनहाइट गर्म हो चुका है। आज लाखों लोग उच्च तापमान, बढ़ते समुद्र, भयंकर तूफान और अप्रत्याशित वर्षा के वास्तविक जीवन के परिणामों का सामना कर रहे हैं। तापमान वृद्धि को सीमित करने और हम सभी के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को तेजी से कम करना जरूरी है। साथ ही समुदायों को गंभीर प्रभावों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना भी जरूरी है, जो आगे और भी बदतर होते जाएंगे। फिर भी उत्सर्जन को रोकने और अनुकूलन के लिए सामूहिक प्रयास, वर्तमान में जलवायु प्रभावों की गति और पैमाने से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से कुछ नुकसान और क्षति अपरिहार्य है। देश इन नुकसानों और क्षतियों से कैसे निपटते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता और उससे परे एक प्रमुख मुद्दा रहा है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के भयानक परिणाम देखने शुरू हो गए हैं। दुनिया भर में भीषण गर्मी, बाढ़, बेमौसम बरसात जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। इस बीच वैश्विक स्तर पर तापमान के परिवर्तन पर नजर रखने वाली एजेंसी ने झुलसा देने वाली गर्मी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में लू और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया था। ताजा आंकड़ों के अनुसार 21 जुलाई सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया है। इस दिन औसतन तापमान पिछले 84 वर्षों के तुलना में अधिक दर्ज किया गया। बता दें कि लंदन स्थित यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार पहली बार वैश्विक औसत सतही वायु तापमान 17.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसने पिछले साल जुलाई के तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल 17.08 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और रूस के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा गया है। जीवाश्म ईंधन के कारण जलवायु परिवर्तन। दरअसल रूस के उन इलाकों में भी लोगों के पसीने निकल रहे थे जहां ठंड होती है। 1940 के बाद सबसे गर्म दिन 21 जुलाई का था, जो पिछले साल की 6 जुलाई के 17.08 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को पार कर गया। पिछले साल की बात करें तो 3 से लेकर 6 जुलाई तक रोजाना गर्मी के रिकॉर्ड टूटे थे। वैज्ञानिकों ने बताया था कि जीवाश्म ईंधन के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पिछले 13 महीनों में तापमान और पिछले रिकॉर्ड के बीच का अंतर चौंका देने वाला है। जैसे जैसे जलवायु गर्म होती जा रही है, हम आने वाले महीनों और वर्षों में नए रिकॉर्ड देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध पर गर्मी का प्रकोप अधिक।
दुनिया बड़े पैमानों पर जलवायु परिवर्तन के संकट को टालने के लिए विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने की कगार पर खड़ी है। जुलाई इस सीमा के करीब पहुंचने का लगातार 13वां महीना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले साल जून के बाद हर महीना रिकॉर्ड पर सबसे गर्म महीना रहा है। कोपरनिक्स के अनुसार जून 2023 से लेकर लगातार 13 महीने की बात करें तो पर्यावरण में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का प्रकोप अधिक देखने को मिला है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि पिछले साल के बाद टूटा ये रिकॉर्ड अंतिम नहीं हो सकता। अभी जुलाई के कई दिन बाकी हैं, ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है। अप्रैल में जलवायु परिवर्तन और मौसम की प्राकृतिक घटना अलनियो के कारण गर्मी का कम ही प्रकोप देखने को मिला था, लेकिन अब उसका असर जुलाई के महीने में देखने को मिल रहा है, जिसने इस साल के तापमान को और बढ़ा दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।